यहाँ पे ये बड़ा भगोना लिया है, नमक डालेंगे, प्लेट से इसको कवर कर देंगे और फ्लेम ऑन कर देते हैं ताकि ये 10 मिनट के लिए प्रीहीट हो जाए। जब तक हमारा भगोना प्रीहीट हो रहा है तब तक हम बैटर बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे बटर लिया है। इसको मैंने पहले से ही मेल्ट कर लिया है। हम यहाँ पे मेल्टेड बटर यूज़ करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप पाउडर्ड शुगर। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बोलती हूँ कि शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जितना मीठा आपको खाना पसंद हो। जनरली 1 कप मैदा में या गेहूं के आटे में आपको 1 कप ही शुगर ऐड करनी होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे आधी शुगर ऐड करी है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। शुगर और बटर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो यहाँ मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप आधा गेहूं का आटा और आधी मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसको और अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते तो अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम 1 कप मिल्क लेंगे, जिसमें हम ऐड करेंगे बॉर्नविटा। बॉर्नविटा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा बॉर्नविटा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 5 स्पून बॉर्नविटा ऐड किया है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, मिल्क प्रॉपरली गर्म होना चाहिए, क्योंकि गर्म दूध में बॉर्नविटा बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अगर दूध ठंडा होगा तो बॉर्नविटा प्रॉपरली मिक्स नहीं होगा। बॉर्नविटा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको हम इस तरह से जितने भी हमारे ड्राई इंग्रीडियंट्स हैं उसमें डालेंगे और मिक्स करेंगे। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको इसको मिक्स करना है। मेरे पास ये भी बहुत सारी क्वेरी आती है कि हम केक बनाते हैं और वो फ्लैट हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है कि आप बैटर को ओवर मिक्स कर देते हैं। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको इसको मिक्स करना है। ये देखिए, पूरा 1 कप मिल्क हमने इसमें ऐड कर दिया है। फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे वनीला एसेंस। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे ऐड करें, नहीं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरे पास 1-2 क्वेरीज ये भी आई कि वनीला एसेंस ऐड करना ज़रूरी है क्या, तो मैं आपको बता दूं कि ये ऐड करना ज़रूरी नहीं है। इससे फ्लेवर अच्छा आता है, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं। आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैटर अब पूरी तरह से बन के तैयार है। अब मैंने यहाँ पे ये स्टील का मोल्ड लिया है, जो ज़्यादातर हर घर के किचन में मिल जाएगा। इसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसमें हम बैटर डाल देते हैं। आपके पास जो भी स्टील का बर्तन अवेलेबल हो आप उसमें केक बना सकते हैं। एक बार इसको टैप कर लेते हैं और इसे बेक कर लेते हैं। बर्तन भी हमारा अब अच्छी तरह से प्रीहीट हो गया है। केक के इस बर्तन को हम इस तरह से भगोने में रख देते हैं ध्यान से, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। अब हम इसको प्लेट से कवर कर देंगे और लो और मीडियम फ्लेम पे 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। 40 मिनट्स हो गए हैं। केक अब चेक कर लेते हैं। वाओ, जैसा कि आप देख सकते हैं केक कितनी अच्छी तरह से राइज किया है। मैंने इसको 30 मिनट्स बाद चेक किया था, ये कच्चा था, तो मैंने इसे 10 मिनट के लिए और बेक किया है। आप देख सकते हैं टूथपिक भी एकदम क्लीन बाहर आई है। अब ये पूरी तरह से बनके तैयार है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। केक को हमने बाहर निकाल लिया है, इसे अब पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इसको डिमोल्ड करेंगे। केक को डिमोल्ड कर लेते हैं। एक प्लेट लेंगे, इस तरह से फ्लिप कर लेंगे और आप देखिए कितनी अच्छी तरह से केक बाहर निकल के आया है और बहुत अच्छा केक बना है। आप बर्तन भी देख सकते हैं, स्टील का बर्तन भी बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, तो आप बहुत आसानी से स्टील के बर्तन में केक बेक कर सकते हैं। इसको सीधा कर लेते हैं। मैं एक बार केक आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से केक बेक हुआ है।
अब हम करेंगे इसकी आइसिंग की तैयारी। इसकी आइसिंग हम बहुत सिंपल रखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 1 कप हैवी व्हिपिंग क्रीम। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच पाउडर्ड शुगर, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें जितना मीठा आपको पसंद हो। 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे बॉर्नविटा, और इसको अच्छा कलर देने के लिए हम ऐड करेंगे 1 चम्मच कोको पाउडर। आप चाहें तो यहाँ मेल्टेड चॉकलेट भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पे हैवी क्रीम ली है, लेकिन आप यहाँ पे कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और क्रीम जो आपके एरिया में अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रॉस्टिंग भी बनके तैयार है। इसको हम केक के ऊपर फैला देते हैं। आप केक को अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे चॉकलेट गनाश के साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे चौकोस के साथ। मैंने यहाँ पे मून और स्टार शेप के जो चौकोस आते हैं वो लिए हैं। ये बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और बच्चे इन्हें देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये केक बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है, इसलिए मैंने यहाँ पे चौकोज लिए हैं। केक को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर के चौकोज लिए हैं, जो वनीला फ्लेवर में आते हैं। इससे भी केक को डेकोरेट कर देते हैं। और लास्ट में हम इसको डेकोरेट कर देंगे कुछ चॉकलेट डेकोरेशंस के साथ। ये चॉकलेट डेकोरेशंस मैंने घर पे ही तैयार की हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चॉकलेट डेकोरेशंस लगाने के बाद केक बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। अब एक बार इसको कट करके भी देख लेते हैं। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एगलेस स्पॉन्ज केक लिया है। इसकी बहुत सारी रेसिपीज मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएंगी। ये केक भी मैंने पानी के साथ ही तैयार किया है। सबसे पहले हम केक को बीच में से ट्रिम कर लेते हैं और इसे 2 पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं। केक बोर्ड के ऊपर हम थोड़ी सी व्हिपिंग क्रीम लगाएंगे, और उसके ऊपर सबसे पहले हम जो नीचे का पीस होता है उसको रखेंगे। घर पे क्रीम कैसे व्हिप कर सकते हैं ये भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो भी अपलोड की हुई है। इसके ऊपर हम पूरी तरह से क्रीम को स्प्रेड कर देते हैं। नाइफ की हेल्प से इसको स्मूथ कर देते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे पाइनएप्पल क्रश। ये भी मैंने घर पे ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। इस तरह का केक अभी तक आपको किसी ने बनाना नहीं सिखाया है। यूट्यूब पे सबसे पहले मैं ही ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और ये क्रश भी मैंने घर पे ही बनाया है। और आप देखिएगा इससे कितना अच्छा केक का टेक्स्चर आएगा। इसको भी अच्छी तरह से फैला देते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े से पाइनएप्पल पीसेस। आप अगर इसे यहाँ नहीं लगाना चाहते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रखेंगे फाइनल केक की लेयर, और इसे हाथ से थोड़ा प्रेस करेंगे। अब हम केक की आइसिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसकी साइड्स कवर करेंगे कुछ इस तरह से। पेटल नाइफ यूज करते हुए इसे एकसार कर देते हैं। इसी तरह से
केक को सब तरफ से कवर कर देंगे। केक की आइसिंग हमने कर ली है। अब मैं यहाँ पे ये स्क्रेपर यूज़ करूँगी जिससे हम साइड में इसकी डिज़ाइन देंगे कुछ इस तरह से। आप देख सकते हैं केक के ऊपर कितना अच्छा डिज़ाइन आ गया है। फिर से हम पाइनएप्पल क्रश लेंगे और अच्छी क्वांटिटी में हमें इसे केक के ऊपर लगाना है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको यही रखनी है और बहुत ही हल्के हाथों से आप इसे फैला दें। अगर पाइनएप्पल क्रश बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये केक के ऊपर रुकेगा नहीं, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी आप यही रखें। इसके लिए आप मेरे पाइनएप्पल क्रश की वीडियो ज़रूर देखें मेरे चैनल पे जाके, मैंने इसको प्रॉपरली बनाना बताया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बताई है, वो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये केक कुछ इस तरह से बनके अभी तैयार हुआ है। अब हम इसको थोड़ा डेकोरेट करेंगे। स्टार नोजल लेंगे और सबसे पहले हम केक को बॉर्डर देंगे। आप किसी भी तरह से केक को डेकोरेट कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। ये देखिए केक को हमने बॉर्डर दे दिया है। अब हम इसके ऊपर कुछ इस तरह से डिज़ाइन बनाएंगे। आप चाहें तो कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े से पाइनएप्पल के पीसेस। आप देख सकते हैं केक देखने में बिल्कुल मार्केट जैसा ही लग रहा है। ये देखिए सेंटर में हम रखेंगे फ्रेश चेरी। इसको थोड़ा और डेकोरेट करेंगे जिसके लिए मैंने यहाँ पे चॉकलेट डेकोरेशंस ली हैं। ये मैंने सब घर पे ही तैयार की हैं। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि चॉकलेट डेकोरेशंस घर पे कैसे बनाते हैं। इसी तरह से ये थोड़े से मैंने चॉकलेट स्क्वायर्स लिए हैं, ये भी मैंने घर पे ही तैयार किए हैं। अब आप केक को देख सकते हैं, देखिए केक कितना सुंदर लग रहा है देखने में। इसको अब मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए केक कितना सॉफ्ट बना है और इसका टेक्सचर एकदम मार्केट जैसा ही आया है। बिलीव मी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखिए आज हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई में मैंने नीचे नमक डाल दिया है और ऊपर ये कूलिंग रैक रख दिया है जिसके ऊपर हम अपना केक मोल्ड रखेंगे। इसको लिड से कवर कर देते हैं और मीडियम और लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक के लिए इसे प्रीहीट होने देंगे। आप चाहें तो इसे भगोने में भी बना सकते हैं। अब हम करेंगे केक का बैटर बनाने की तैयारी, जिसके लिए एक बाउल में हम लेंगे हाफ कप ऑयल। मैंने यहाँ पर ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो बटर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर। शुगर की क्वांटिटी मैंने सूजी की क्वांटिटी के बराबर रखी है, जितनी आप सूजी लें उसी अकॉर्डिंग आप शुगर ऐड कर लें। और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिक्सचर काफ़ी क्रीमी हो गया है और दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। यहाँ मैं 1/2 कप दही ऐड कर रही हूँ। दही बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, इसको रूम टेम्परेचर पे ही आपको ऐड करना है। और फिर से इसको मिक्स कर लेते हैं।
आपको इस बात का ध्यान रखना है, बैटर को आपको ओवर मिक्स नहीं करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर स्कॉच एसेंस। मैं यहाँ पे बटर स्कॉच एसेंस ले रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ किसी भी फ्लेवर का एसेंस ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एसेंस नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर से इसको मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप सूजी। सूजी अच्छी तरह से बाइंड हो जाए इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 कप कॉर्नफ्लावर। मैंने यहाँ पे मैदा को पूरी तरह से अवॉइड किया है इसलिए मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ मैदा भी यूज कर सकते हैं। और फिर से इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। इसे भी अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने अराउंड 1 टेबल स्पून मिल्क ऐड किया है, बाकी जितनी हमें ज़रूरत होगी उस अकॉर्डिंग हम मिल्क ऐड करेंगे। बैटर अब पूरी तरह से बनके तैयार है। अब हम इसे स्पैचुला से मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। इसे हमें इससे ज़्यादा पतला नहीं रखना है, आप चाहें तो बैटर इससे थोड़ा थिक रख सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा पतला ना करें। केक को थोड़ा अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं ये बटर स्कॉच बॉल्स, जो किसी भी सुपरमार्केट में आपको आसानी से मिल सकती हैं। और ये मैंने यहाँ पे ली है कलरफुल सॉफ्ट, जो किसी भी शॉप पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसको हम इसमें ऐड कर रहे हैं, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, चॉकलेट चिप्स यूज़ कर सकते हैं, या फिर टूटी फ्रूटी भी आप ऐड कर सकते हैं। अब ये बैटर पूरी तरह से बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। केक मोल्ड को मैंने पहले से ही ऑयल से ग्रीस कर लिया है, इसमें इस बैटर को हम डाल देते हैं। बैटर आपको बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं बढ़ना है। इसको थोड़ा सा कलरफुल और ट्विस्ट देने के लिए मैंने यहाँ पे रेनबो बॉल्स यूज़ की हैं, आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब हम इसे बेक करेंगे। बर्तन भी हमारा अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुका है, केक मोल्ड को इसमें रख देते हैं। इसे हम लिड से कवर कर देते हैं और इसे 45 मिनट्स के लिए हमको बेक करना है। हो गए हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए केक पूरी तरह से बेक हो गया है। केक को बेक करने का टाइम जितना आपका केक का बैटर है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका बैटर कम होगा तो केक जल्दी बेक हो जाएगा। ये देखिए टूथपिक से भी हमने इसको चेक कर लिया है, केक अब पूरी तरह से बेक हो चुका है, टूथपिक एकदम क्लीन है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। केक को अब हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको डिमोल्ड करेंगे। केक को मैंने डिमोल्ड कर लिया है, जब ये पूरी तरह से ठंडा हो गया था तो ये काफ़ी आसानी से केक मोल्ड से बाहर आ गया था। अब हम इसको डेकोरेट करेंगे। इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये जैम्स ली हैं, आप किसी भी चीज़ से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसके ऊपर टेक्सचर आया है। एक बार केक को कट करके भी देख लेते हैं, बहुत सॉफ्ट बना है केक, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये कट हो रहा है। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से केक बेक हुआ है। सबसे पहला टिप है ऑयल के लिए, जब भी आप केक में ऑयल यूज़ करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस ऑयल में कोई भी स्मेल नहीं होनी चाहिए, या फिर वो ऑयल पहले से यूज़ नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो ऑयल पहले यूज़ कर रखा है या डीप फ्राई करने के बाद आप उस ऑयल को अपने केक में यूज़ कर रहे हैं तो केक का फ्लेवर उससे बहुत ख़राब हो जाता है और केक में एक अलग ही तरह की स्मेल आती है।
तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी ऑयल यूज़ करें वो एकदम फ्रेश हो। आप चाहें तो इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हैं। बटर आप दोनों में से किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो वो सॉल्टेड बटर हो या फिर वो अनसॉल्टेड बटर हो। दूसरा टिप मैं देना चाहूँगी एसेंस के लिए। मेरे पास इस तरह की बहुत क्वेरी आती है कि एसेंस केक में ऐड करना ज़रूरी है, तो मैं आप सभी को बता दूँ ये ज़रूरी नहीं है। इसे सिर्फ हम फ्लेवर के लिए ऐड करते हैं। आप चाहें तो यहाँ अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बटर स्कॉच लिया है। आप चाहें तो यहाँ मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल या फिर वनीला एसेंस को ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे छोटी इलायची का पाउडर ऐड करें, तो उससे भी केक का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तीसरा टिप है सूजी के लिए। यहाँ पे मैंने मोटे दाने की सूजी ली है, लेकिन आप चाहें तो बारीक दाने की भी सूजी ले सकते हैं। जो भी आपके एरिया में अवेलेबल हो आप उससे इस केक को बना सकते हैं। मोटे दाने की सूजी का केक बनाने में बस केक का टेक्सचर थोड़ा सा अलग आता है और केक बहुत ही बिखरा बिखरा बनता है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास मोटे दाने की सूजी है तो आप उसको मिक्सी में चर्न करके उसका पाउडर बना सकते हैं, या फिर आप इस सूजी को थोड़ी देर दही में भिगो के रख दें और सूजी जब पूरी तरह से फूल जाए तब इसको केक के बैटर में आप ऐड कर सकते हैं। फोर्थ टिप है कॉर्नफ्लावर के लिए। मैंने यहाँ पे केक को बाइंड करने के लिए कॉर्नफ्लावर ऐड किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मैदा भी ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे सूजी का केक बना रहे हैं और केक हम हेल्दी बना रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मैदा को पूरी तरह से अवॉइड किया है और कॉर्नफ्लावर ऐड किया है। आप चाहें तो गेहूं का आटा, कॉर्नफ्लावर या मैदा, तीनों में से किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप है मिल्क के लिए। मिल्क आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। बैटर की कंसिस्टेंसी आपको पतली नहीं रखनी है, क्योंकि अगर बैटर की कंसिस्टेंसी पतली होगी तो बेक होने में भी टाइम लेगा और केक भी अच्छा नहीं बनेगा। इस बैटर को हम थोड़ा थिक रखेंगे, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड नहीं करना है। मिल्क हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि सूजी दूध में जाके थोड़ा फूलती है। जिस तरह से हम घर पे इडली का बैटर बनाते हैं और सूजी उसमें फूलती है, वही इस केक के साथ भी है। इसलिए आप अकॉर्डिंगली मिल्क ऐड करें। बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड नहीं करना है आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे दही भी यूज़ किया है, तो दही से भी हमारा बैटर काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो मिल्क आपको बहुत ध्यान से ऐड करना है। यहाँ पे हमने ये कलरफुल बॉल्स लिए हैं, ये ऑप्शनल हैं। आप चाहें तो यहाँ टूटी फ्रूटी, ड्राई फ्रूट या चॉकलेट चिप्स में से कोई भी ऐड कर सकते हैं। ये बॉल शुगर की बनी हुई होती हैं। जब भी इसलिए हम केक बेक करते हैं तो ये बैटर में जाके पूरी तरह से पिघल जाती हैं। इसलिए अगर आप इसको केक के टॉप पे डाल रहे हैं और आपको अगर ऐसा लगता है कि जब केक बेक होगा तो ये बॉल्स भी दिखेंगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि कई बार ये क्वेरी आती है कि केक बीच में से कच्चा रह गया है और ऊपर से इसका कलर काफ़ी ब्राउन और बहुत डार्क हो गया है। तो ऐसा इसीलिए होता है, या तो बैटर सही से बना हुआ नहीं होता है, या केक आपका प्रॉपरली बेक नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि केक बीच में से कच्चा रह गया है लेकिन इसके साइड्स और केक ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क कलर का हो गया है, यानी ब्राउन कलर का हो गया है, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, केक मोल्ड को फॉइल पेपर से या बटर पेपर से आप इसको कवर कर दें और फिर इसके बाद इसको बेक करें। ऐसा करने से केक ऊपर से बहुत जल्दी डार्क कलर का नहीं होता है और केक ऊपर से जलता भी नहीं है, और ये अंदर से पूरी तरह से बेक हो जाता है। सूजी का केक बनाते समय हो सकता है कि आपको इस तरह की समस्या आए, तो आप अपने केक मोल्ड को फॉइल पेपर से कवर करें और उसके बाद इसको बेक करें, तो केक सब तरफ से एक सार सिकेगा और अच्छा बेक होगा। सूजी का केक बनके तैयार है और केक बहुत अच्छी तरह से बेक हुआ है। मैंने जो आपको टिप्स दिए हैं, अगर आप उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस केक को बनाएंगे तो आप भी एक परफेक्ट केक बना सकते हैं। आज हम इसको बनाएंगे कढ़ाई में। ये भी हर घर में बहुत इजीली मिल जाती है। सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे और एक कूलिंग रैक रखेंगे। लिड से इसको कवर कर देते हैं और 10 मिनट के लिए इसे प्रीहीट होने देते हैं। जब तक हमारा बर्तन प्रीहीट हो रहा है, मैंने यहाँ पे ये डार्क चॉकलेट ली है जिनको मैंने पीसेज में कट कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर और 2 टेबल स्पून पानी। इससे चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए और इसको हम ओवन में मेल्ट कर लेते हैं।
चॉकलेट को हमने ओवन में मेल्ट कर लिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे गैस स्टोव पर डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, इससे इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। लेकिन अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, इसे डालना ज़रूरी नहीं है। अब ऐड करेंगे इसमें मैदा, यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा ली है। सारी मैदा एक साथ ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो लम्स आ जाएंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको ऐड करेंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बैटर बहुत ड्राई हो रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, यहाँ मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। मिल्क में मैंने पाउडर्ड शुगर पहले से ही मिक्स कर ली है। मैंने शुगर की क्वांटिटी यहाँ पे 3 टेबल स्पून रखी है, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप शुगर को मिल्क में मिक्स करके ऐड नहीं करना चाहते तो आप पाउडर्ड शुगर डायरेक्टली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सारी मैदा हमने इसमें ऐड कर दी है और मिल्क भी हमने 1/2 कप ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। बैटर को हमें ओवर मिक्स नहीं करना है, नहीं तो केक राइज नहीं करेगा। बहुत सॉफ्ट हैंड से आपको इसे मिक्स करना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए यहाँ पे लेंगे 1 टीस्पून कोको पाउडर। अगर आप कोको पाउडर ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। फिर से कट और फोल्ड मेथड से इसको मिक्स कर लेते हैं। क्योंकि हम इसे दोनों ही तरह से बना रहे हैं तो इसलिए ओवन में बनाने के लिए मैं यहाँ रैमेकिंस यूज़ करूँगी, और गैस स्टोव पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये स्टील की कटोरी ली है जो हर घर के किचन में बहुत ईजिली मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि इसमें लावा केक कितना अच्छा तैयार होगा। इसी तरह से रैमेकिंस को भी मेल्टेड बटर से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेते हैं। लावा केक इसमें चिपके नहीं, इसलिए हम इसको थोड़े से सूखी मैदा से भी डस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, और जितनी भी एक्स्ट्रा है उसको हटा दें। इसी तरह से रैमेकिंस को भी सूखी मैदा में डस्ट कर लेते हैं। अब जो बैटर हमने तैयार किया था वो हम इसमें डालेंगे। ये बैटर हमने इसमें डाल दिया है। इसके ऊपर हम लगाएंगे 1 लेयर चॉकलेट चिप्स की। ये हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में रखने हैं क्योंकि इसी से लावा बनता है। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स नहीं है तो आप चॉकलेट के पीसेस भी यहाँ पे रख सकते हैं। और इसको हम कवर कर देते हैं। अच्छी तरह से इसको कवर कर दें। इसको हमें बहुत ही हल्के हाथ से टैप करना है, बहुत तेज इसे टैप ना करें क्योंकि जो हमने चॉकलेट चिप्स की लेयर लगाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और अब हम इसे 10 मिनट के लिए 180 डिग्री पे बेक कर लेते हैं। इसी तरह से ये कटोरियों को भी हमने तैयार कर लिया है, इसमें भी हम बैटर को डालेंगे। इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं और इसके ऊपर भी हम लगाएंगे चॉकलेट चिप्स की 1 लेयर। और इसको भी हम कवर कर देते हैं जो भी हमारा बचा हुआ बैटर है उसके साथ। बैटर को हमने इसमें ट्रांसफर कर लिया है। अब इसको भी बेक कर लेते हैं। कढ़ाई भी हमारी 10 मिनट प्रीहीट हो चुकी है। इसको इसमें रख देते हैं कुछ इस तरह से। अगर आपके पास कूलिंग रैक नहीं है तो आप डायरेक्टली नमक के ऊपर भी इस तरह से इन बाउल्स को रख सकते हैं। इसको हम लिड से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम और हाई फ्लेम पे बेक होने देते हैं। दस मिनट हो गए हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से लावा केक बनके तैयार हुए हैं और ये कितना राइज कर चुके हैं। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इनको बाहर निकाल लेते हैं ध्यान से, क्योंकि ये काफ़ी गर्म है। दस मिनट बेक करने के बाद मैंने रैमेकिन को भी बाहर निकाल लिया है और लावा केक अब तैयार है। एक प्लेट लेंगे
और उसके ऊपर इनको फ्लिप कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। ये देखिए स्टील के बाउल में भी कितनी अच्छी तरह से लावा केक बनके तैयार हुआ है। इसी तरह से इसको भी डिमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए दोनों ही लावा केक बनके तैयार हैं। अब मैं आपको इसे कट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट केक बने हैं और आप इसका लावा देख सकते हैं। ये भी बहुत गर्म है। ये देखिए लावा आप देख सकते हैं। मैं आपको इसे पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए जिसको हमने गैस स्टोव पे और वो भी स्टील की कटोरी में बनाया था वो लावा केक कितना अच्छा बना है, और ये केक जिसको हमने ओवन में बनाया है। आप देख सकते हैं केक को हमने गैस स्टोव पे बनाया है और एक को हमने ओवन में तैयार किया है। दोनों लावा केक में कोई डिफरेंस नहीं है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पाउडर्ड शुगर। अगर आप इसे नहीं डालना चाहते तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। इसको डेकोरेट कर देते हैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स के साथ। अब मैं इसे आपको कट करके भी दिखाती हूँ। सबसे पहले हम उस केक को कट करेंगे जो हमने गैस स्टोव पे बनाया है, और आप देखिए केक कितना सॉफ्ट बना है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट टेक्सचर आया है। अब हम उस केक को ट्राई करेंगे जो हमने ओवन में बनाया था। ये देखिए ये भी केक कितना सॉफ्ट बना है और इसमें लावा भी एकदम साफ दिख रहा है। हमारा एगलेस चॉकोलावा केक बनके तैयार है, और आप देख सकते हैं कि एक को हमने गैस स्टोव पे बनाया है और एक को हमने ओवन में तैयार किया है, और दोनों ही केक बहुत अच्छे बने हैं। तो अब आप भी अपने घर पे बहुत आसानी से चॉकोलावा केक बना सकते हैं। अगर आपके घर पे माइक्रोवेव या ओवन की फैसिलिटीज़ नहीं है तो अभी आप इस केक को आसानी से बना के एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।